बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जी, तो कौन मेरे दोस्त पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो राज जी और समिता जी और शिल्पा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली मुंबई में काम करता हूँ ओरिजिनली, लेकिन रहने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, साकेत सिंह कौरव। जबलपुर से आप? जी हाँ। अरे मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। अरे क्या बात सर, तो क्या इसमें क्या बात, क्या बात क्या? तो हमारा रिलेशनशिप निकल गया ना सर। अच्छा। तो मेरा सवाल शिल्पा जी से यह है कि जी मेरी भी सालियाँ हैं, उनसे मेरी खूब पटती है और मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे और उनका बहुत देखभाल करता हूँ। क्या देखभाल करते? कि एक जीजा जी को जो करना चाहिए वो मैं भी अपनी भूमिका निभाता हूँ। क्या करना चाहिए हमें बताओ, हमने भी शादी। जीजा जी की जो भूमिकाएं होती हैं, और राज कुंद्रा जी भली भांति समझ रहे होंगे क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ स्टेज पे उनका और समिता जी के बीच में। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। सर आप मुझे देख रहे हैं इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। अरे मैं 1.5 घंटा देखा उनको, नहीं समझ में आया। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ एक जीजा की क्या जिम्मेदारियाँ होती साली के प्रति, क्या मतलब? कि भाई उसकी जो भी खुशियाँ उनका ध्यान रखा जाए बड़ा होने के नाते, और जो चीजें वो अपनी बहन से एक्सपेक्ट करती हैं जीजा जी उसको आगे ले जाके पूरी करें। बड़ा होने के नाते कि करेक्टरलेस होने के नाते? अरे सर ये तो कई डायमेंशंस की बात है। नहीं तो मतलब खुशियों का ध्यान रखना है, साली का रखना है, जो भी रखना ध्यान साली का, बीवी का नहीं रखना। नहीं सर बात तो ऐसी है कि मेरे सामने जो बड़े एग्जांपल बैठे हैं, आप जबलपुर जाना ना आपका जबल सुजाएंगी वो। नहीं सर मेरी वाइफ मेरे साथ बॉम्बे में ही रहती है। बॉम्बे में ही है? जी हाँ। तो कितनी सालियां आपकी? सर वैसे तो 3 सालियां हैं। तो ऐसे ऐसे ही सर, मैं आपके सामने बोलने के पहले मेरा प्रश्न ही भूल जाऊंगा सर। अच्छा प्रश्न ले लीजिए जी। तो राज कुंद्रा जी और समिता जी के बीच में जो देखा है कि वो कितने केयरिंग हैं, अपनी साली साहिबा का भी बखूबी ध्यान रखते हैं जैसे कि मैं भी करता हूँ जी। लेकिन अक्सर हमने हमारी भारतीय परंपराओं में कहें या हमने देखा है हमारे हिंदुस्तान में कि भाभी और ननंद के बीच का जो रिश्ता है जी, वो कहीं ना कहीं उसमें अनबन और थोड़ी सी खटपट और थोड़ी सी, आप समझ रहे हैं ना? ये मैं समझ गया। ये चीजें दिखती नहीं है बाहर लेकिन होती हैं। होती होगी हाँ। अब जीजा साली में कभी नहीं होती है ना? सर अब मैं क्या खुश हो जाता साली आए तो। सर लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि राज जी की भी एक सिस्टर हैं, तो हाँ दो सिस्टर हैं, तो शिल्पा जी भाभी का रोल आप जब प्ले करते हैं तो भाभी और ननंद के बीच में आपका कैसा रिश्ता है? आप रोल प्ले करती हैं भाभी का रोल प्ले? नहीं वास्तविक जीवन में रोल सर, अभी नहीं नहीं वास्तविक जीवन में। हिंदी कवि जी आप, मैं वही बोल रहा हूं। तो वास्तविक जीवन में जो आप भाभी का जो किरदार प्ले करती हैं, प्ले कर रही हूं हां, तो इनकी जुफ्तजु में आपका मुगालफा हो गया भाई साहब। सर ओके तो हां, जहां तक कि मेरे सिस्टर इन लॉज का सवाल है, मुझे सच्ची में ऐसे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा कि मुझे बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड और फस फ्री लो मेंटेनेंस सिस्टर इन लॉज मिल गई। दोनों टच वुड बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं। इस बात पे तालियां हो जाएं। और सर एक छोटा सा मेरा एक राय है कपिल सर के लिए, आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस शो के माध्यम से आपका आप और आपकी पूरी टीम देश और दुनिया में जिस तरीके से एक लाफ्टर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं। जहाँ मैडम योग की बात कर रही हैं, योगा की बात कर रही हैं, आप लाफ्टर से जो उन लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया सर। और बहुत लोग जल्दी अच्छे भी हो जाते हैं। धन्यवाद। ये इंडियन कल्चर में ये नहीं समझ आता कि साली आधे घर वाली बट हाँ। भाभी माँ समान। हाँ पॉइंट है ना भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? भाभी माँ समान है ये तो मैं समर्थन देता हूँ जी, पर साली आधी घरवाली है इसके बारे में मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी नहीं है। और मुझे लौट के घर भी जाना है, और आज रात का खाना नसीब हुआ तो खाने मिलेगा सर। बहुत अच्छे विचार आपने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी शादीशुदा नहीं है सर, इसलिए शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे अभी। और मैं समझना ही नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं करना चाहता है। नहीं सर वो तो अंदर ही अंदर जानते हैं, आप बताएंगे थोड़ी हम सबको। I love you, sir. You are so cute. शिल्पा जी ने कहा आई लव यू, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी वाइफ नेहा कौरव जो है, छोटी सी बच्ची है, हम ला नहीं पाए आज शो में। मुझे लगा कहते मेरी छोटी सी वाइफ है। नहीं नहीं तो हम लोग आपके बहुत फैन हैं, आपकी बहुत सी फिल्में तो देखी हैं। आप लेके क्यों नहीं आए भाभी जी को साथ में? सर वो 1.5 साल की बेटी है संस्कृति कौरव, तो वो अगली बार लाएंगे, वो बड़ी हो जाएगी। और हम ये दुआ करते हैं कि आपका शो हमेशा चलता रहे, बच्चे भी बड़े हो जाएं और वो भी आएं। मतलब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, हम शो ही करते रहे, हमारे ना बच्चे हो। नहीं सर जैसे मैम एज उनका बढ़ता नहीं है, हम भी चाहते हैं आप सब किरदारों की उम्र इस तरीके से ही रहे कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया खुश रहे। शुक्रिया, बहुत स्वीट। और भी लाइक करने लगी हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर।
और भी लाइक करने लगी, इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी? मैम मेरे पास शब्दों की कमियां हैं कि शब्द हर भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है गुरु। नहीं 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 सर, सर के आगे तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है सर। बड़ा अच्छा है, सुबह दही के साथ हिंदी की व्याकरण खाते हैं आप सर। बड़ी अच्छी हिंदी आपकी सर। कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह, जेल से कब छूटे? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अबू शेख है, फ्रॉम बेंगलोर। अबू शेख जी? अभिषेक? अबू शेख। अबू शेख जी, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा जी जी अबू जी। अच्छा, आपको तो मैं अबू जी भी नहीं कह सकता। जी अबू जी पूरा ही लेना पड़ेगा। जी अबू शेख जी। शमिता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इनके मामा जी आए थे वो पूरे बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी उनमें कुछ बात नहीं रही। आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन मैं सिंगर भी हूँ। हाँ जी, अच्छा सिंगर भी हैं? यस। तो मिल्क शेख जी, अबू शेख जी सुनाइए कुछ गाना सुनाइए। थोड़ा कोलैबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोलैबोरेट? क्या आपके लिए हनी सिंह लेके आऊँ? शमिता जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को कुछ काम मिल जाता, मैं अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आपके यहाँ पे काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी हो जाती। मैंने कहा था ना, ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। आज ना शमिता का दिन खराब है, कभी वो मामा आके फ्लर्ट कर रहा है, अभी आपने गाना गा के काम मांग लिया। ब्रदर मुझे पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं, पर आप जो भी करना चाहते हैं हमारी दुआएं हैं आपके लिए। थैंक यू। आप जो भी करें फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। थैंक यू। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। इसी के साथ ही हमें अलविदा कहना पड़ेगा शमिता को, बिकॉज उनको कहीं जाना है किसी अवार्ड शो में। सो थैंक यू सो मच शमिता, आप यहाँ पे आई। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर। थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा क्वेश्चन राज सर को, एक्चुअली मेरा भी एक छोटा बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए मैं थोड़ा भी सेक्रेटरी हायर कर रहा था, तो उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि एक अच्छी सी सुंदर स्मार्ट थोड़ी हॉट ऐसी लड़की कोई, यानी सेक्रेटरी होता तो अपने को भी थोड़ा अच्छा फील होता है ना। बट जब इंटरव्यूज लेने थे तब मेरी वाइफ बोली कि मैं इंटरव्यूज लूंगी उनकी, तो मुझे बस आपको यही कहना है कि आपकी सेक्रेटरी कैसी है? आदमी है। आदमी है। डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसे ही चाह रहा था, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने लिया और फाइनली जब मैं अंदर गया देखने के लिए मिनी स्कर्ट कितनी छोटी है सेक्रेटरी की, देखा आदमी है। जी और कोई मेरे दोस्त? हेलो कपिल जी। हेलो जी। हेलो शिल्पा जी। एंड हेलो राज। एक्चुअली मेरा सवाल शिल्पा जी से है, मैं ये पूछना चाहती थी कि राज जी जो कि इतने हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, और आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप पसंद आज नहीं करती मतलब। लेकिन आज राज जी को देख करके मेरा भी मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसे कोई भी लड़की अगर आपकी आंखों के सामने आपके हस्बैंड को छेड़ती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इग्नोर करती हूँ मैं। अगर मैं छेड़ू तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इग्नोर नहीं करती, बता रहा हूँ पहले ही। उसको कराटी आती है, बहुत ब्लैक बेल्ट कराटी है ये। ओह माय गॉड, शी रियली कम हियर। कैसे छेड़ेगी? मैंने कभी नहीं देखा किसी लेडी को छेड़ते हुए, छेड़ के बताइए। हेलो। ये क्योंकि इस माहौल में हो रहा है तो बड़ा कूल सा लग रहा है, लेकिन अगर ये सच में अगर ये होता किसी नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं शायद इसे इग्नोर नहीं कर पाती। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू मैम।